हाँ स्टूडेंट्स, ये बेटे हमारे पास, हमने एक सीरीज शुरू की है जो पास पेपर हैं पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री के 2015, 18, 2021, 22 में सभी जो पेपर आपके हुए हैं उनको आपसे डिस्कस किया जाए, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि हमारे कौन से टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो एमसीक्यू का लेवल है फ्लोट होने का वो किस तरह एग्जाम में जो है वो आता है, और कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे जो हैं वो लूप होल्स हैं जहाँ बच्चे परेशान होके अपना जो पेपर है वो नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। तो प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा बेटे आपसे मुखातिब हूँ। हाँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर एचडी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स, बात ये है कि आई एम टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 15 ईयर्स, तो उसमें आइडिया है कि केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट जो है एक बड़ा एक वसी सब्जेक्ट है। इसको कोई बंदा भी कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे ये मुकम्मल तौर पे आता है, बट जो एरियाज हैं उनका हर बंदे को अंदाजा होता है कि पेपर किस तरह आता है। फिर बेटे हमने एक एफर्ट की है इसमें, क्योंकि पेपर जो जब ये पेपर होते हैं इसके स्क्रीनशॉट बाहर आते हैं, बाद का पेपर पूरा आ जाता है बाहर, कभी इसकी फोटोज आ जाती हैं, तो हमने उन फोटोज को, बाद का स्टूडेंट्स आते हैं वो हमें कुछ ऑप्शन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो हम क्योंकि 2015 से एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म हम इसको काम को करवा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात की है कि हमने उस डाटा को ही मेंटेन करते हुए हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को ये जो पास पेपर्स हैं इसका आइडिया हो जाए इसमें, क्योंकि कुछ ऑप्शन बाद उसका कुछ स्टेटमेंट्स कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, आंसर बाद आगे पीछे, क्योंकि चीजें सुनी सुनाई होती हैं, लिख लिखाई होती हैं, तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक तो काइंडली मेंशन भी कीजिएगा, और हम जो है वो हम उसको सही करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये हमारा पेपर है पीपीएससी लेक्चरशिप का, इसके हम बात करते हैं। हमारे फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूगेसिटी। सिंपल सा बच्चे हमारा एमसीक्यू है। बात ये है कि जो बेटे मैकेनिकल प्रेशर है उसको हमने किससे रिप्लेस किया, पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, तो इतना फ्यूगेसिटी है ये। आगे नेक्स्ट है एक्स टू इजल टू बाई एट 600 के सी हम आटे की पारमान सिक्स सेलेक्शन एंडोथर्मिक। बात ये देखें जी, हमारा जो आपका जो रिएक्शन है वो बच्चे बता रहे हैं कि केसी की वैल्यू बहुत थोड़ी है, हालांकि बच्चे बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि केसी वैल्यू थोड़े होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारा अभी भी डिमांडिंग क्या है, जो टेम्परेचर डिमांडिंग है। देखें, अगर हमारा रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होता तो केसी की वैल्यू काफी ज्यादा होती, बिकॉज केसी वैल्यू आमतौर पर ज्यादा होने का मतलब रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ऐसे रिएक्शन में आमतौर पर हमें एनर्जी बाहर चाहिए होती है, उनका केसी वैल्यू कम होती है। जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस प्लस कॉपर, ये हमारे ई नॉट सेल जो है इसके 10.10 वोल्ट है, और ये हमारे पास बड़ा एक कॉमन सेल है और ये फिजिबल सेल है, बिकॉज इसमें जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर हम ओवरऑल बात, तो जिंक प्लस टू बनता है और कॉपर न्यूट्रल हो जाता है, और इसमें जो हमारा ई नॉट सेल है वो असल में ई नॉट रिडक्शन होती है और ई नॉट ऑक्सीडेशन होती है, मिला के हमारा आंसर 1.10 आएगा। जिंक एज अ एनोड काम करेगा, कॉपर एज अ कैथोड काम करेगा। अब अगली बात यह है कि नेक्स्ट हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, द पीएच ऑफ ह्यूमन स्टोमिक 1.5 से 3.5 तक होती है। इसमें एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव जो है वो दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे स्टोमिक में, उनसे अलहदा अलहदा रिलीज होता है। ये ह्यूमन स्टोमिक से ह्यूमन ब्लड की बात भी आती है, उसका पीएच 7.35 होती है। बैंट हैव इक्वेशन जो है ये आपको अंदाजा है सब बच्चों को, ये सिंपल सा एक है कि ये आपने इसको याद रखना है। बैंट हाफ जो है रिलेशनशिप बिटवीन के ई क्यू एंड टी आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी स्टडी बाय बैंट हाफ। जी सीधी बात है कि बच्चे हमारे पास जो केसी है उस पर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, इसका ताल्लुक हमारे बैंट हैव इक्वेशन से है। आर्सेनिक ऑक्साइड ये बच्चे किस में होती है, हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद ये है कि जो हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस है इसमें आपने याद रखना है कि वी हैव टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे एक का नाम है कॉन्टेक्ट, दूसरे का नाम हमारे पास है लेड चैम्बर। जो कॉन्टेक्ट है वहां पे जो सल्फर यूज करते हैं उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद हो सकती है,
अब वो कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो उसको आर्सेनिक को अपने साथ एड्सॉर्ब कर देती है, जिससे हमारा जो SO2+O2 गिव यू SO3 वाला स्टेप होता है वो हमारा इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वो आराम से हो जाता है। इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस के भाई देखिए, इसमें हमारे चार स्टेटमेंट थी तो उसमें बात ये थी कि उसमें लिखा नो लेड लाइनिंग, इसमें लेड लाइनिंग नहीं होती। हालांकि बच्चे कोई भी हमारा प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास ये बच्चे कोई क्रोसिव रिएक्शन होता हो वहां पे लेड जरूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात, अगली बात हमारे पास ये है कि बफर नॉट फाउंड इन बॉडी, बच्चे इसमें कौन सा ऐसा बफर है जो बॉडी में मौजूद नहीं है, वो हमारा जो है ये सिंपल सा बच्चे जो है जो एसिटिक एसिड बफर है ये हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता। हमारी बॉडी में आमतौर पे और तरह के बफर हैं, जैसे कि फॉस्फेटिक जो हमारे पास है बफर मौजूद है, ब्लड इटसेल्फ एक अच्छा बफर है। कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो भी V2O5 है, या प्लेटिनम यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटोक्साइड यूज कर सकते हैं, ये दोनों किसमें कॉन्टैक्ट में। अगर हम बात करें लेड चैम्बर तो वहां पे हम N2 जो है NO2 जो गैस है वो यूटिलाइज करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस एग्जाम्पल ऑफ हीटरोजीनस कैटालिसिस, और जो लेड जो हमारा दूसरा है जो लेड चैम्बर है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज सराउंडिंग बाय 3 कार्बन एटम, और व्हाट अबाउट डायमंड, वहां पे 4 कार्बन एटम सराउंड होता है, और यही फर्क है। और इसलिए जो ग्रेफाइट है उसमें जो एक कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट एक कंडक्टर है। व्हाइट जो डायमंड है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें जो कार्बन फ्री ना होने की वजह से हम कहते हैं कि उसमें वो नॉन कंडक्टर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज बॉडी सेंटर्ड, बच्चे मोलिब्डेनम हमारे बेसिक एग्जाम्पल बॉडी सेंटर की है, फेस सेंटर की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। अब बात ये है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ऑर्थोरोम्बिक एंड ट्राइगोनल, बुक में एग्जाम्पल लिखी है, चैप्टर हमारा 4 है सॉलिड का, कि हमारे पास जो है ये जो बच्चे इसमें आपने इसको देखिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर नाइट्रेट दोनों की एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है कि दोनों क्या शो करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक रोम्बो या ट्राइगोनल जो शेप शो करते हैं, और मसले की बात है बोथ आर आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस, मीन कंपाउंड इज सेम एंड वी कैन से कंपाउंड सेम होने के अलावा जो शेप डिफरेंट तरह की है, ठीक है। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन वेट, हमारा मैट्रिक का जो सवाल है शुरू हुआ है। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल एज रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज ड्यू टू टिंडाल, ये टिंडल इफेक्ट है, ये जो हमारे पास हमारा जो ऊपर स्काई है उसमें टिंडाल इफेक्ट मौजूद होता है। इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिस्ट ऑप्शन, जो केमिस्ट ऑप्शन है वहां पे क्या है कि नॉट फॉर्म मल्टी लेयर, बच्चे केमिस्ट ऑप्शन क्या चीज है, हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन है उसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, तो उसके लिहाज से बच्चे इसके आगे 2 टाइप्स आती हैं। तो जो हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन है उसमें जो केमिस्ट ऑप्शन है उसमें जो स्टेटमेंट इनफैक्ट वो क्या दी गई थी कि नॉट फॉर्म मल्टी लेयर। मोलैरिटी ऑफ 25% एनएस सॉल्यूशन इज, देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 25% मतलब क्या कि 100 में हमारे पास जो अगर हमारा 100 जो ML सॉल्यूशन है उसमें 25 ग्राम वो हमारा NaOH है, एंड व्हाट अबाउट 1000, वहाँ पे क्या अगर 250 होगा, आपने क्या करना है 250 जो हमारा ग्राम है उसका आपने क्या करना है 40 से डिवाइड करना है ताकि मैस और मोलर मैस हो जाए, ओके। तो आप अगर आप 250 को अगर आप करते हैं किस 1000 से डिवाइड करते हैं तो शुरू देखिए बात ये है कि फिर देखिए 25% जो है ये किसमें मौजूद है, ये 100 के अंदर मौजूद है, इसको आपने किसमें 1000 में करना है क्योंकि मोल का ताल्लुक जो है मोलैरिटी का ताल्लुक 1000 से होता है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर 6.25 आता है, 6.25 मोलर सोल्यूशन है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए 6.25 मोलर सोल्यूशन है। बार्मर सीरी किसमें आती है, ये हमारी आती है किसमें जी, विजिबल रीजन में, लाइमन जो है वो यूवी में, बार्मर विजिबल में, लाइमन बार्मर आगे उसके बाद
पासन है, पी फंड है, उसके बाद नीचे सारी जो अंतिम किस्में आती है उसमें आईआर में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमारे पास ये देखिए ये हमारा 19 MCQ है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी है दो चीजों की और उससे पूछा गया कि आप इसका पी मालूम करें। तो पी जो मालूम करने का सिंपल सा ये है कि आपने असल में इसका ताल्लुक, क्वेश्चन का ताल्लुक पता किससे है? जरा याद कीजिए, हमारे पास एक टॉपिक है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो एच एच ओवर एम वी है और आपने उसमें एच ओवर एम वी, जो एम वी क्या चीज है, डेट इज अवर मोमेंटम। तो मोमेंटम पूछा गया, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3.315 से। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास लाइट ट्रेवल डिसकंटिन्यूली दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्स प्लैंक, वो कैसे जी? बात ये है कि स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से देखिए, इसको याद रखिएगा कि पहले पहली बात ख्याल ये था कि हमारे पास जो लाइट है ये मुसलसल मूव करती है, ये कंटिन्यूस मूव करती है, लेकिन बाद में मैक्स प्लैंक कहा ये मुसलसल मूव नहीं करती बल्कि किस फॉर्म में, ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। तो मैक्स प्लैंक का ये कॉन्सेप्ट था। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, भाई देखो वैल्यू किस चीज की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। तो 4.75 एंगस्ट्रॉम है, फर्स्ट 0.529 एंगस्ट्रॉम है, सेकंड की आप 2.11 है, थर्ड की 4.75, तो आप इसको चेंज करते जाते हैं साथ साथ ही। ठीक है, इट ऑल डिपेंड अपॉन आप उसको एन स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एफ आर थर्ड ऑर्डर एक्शन हमारे पास वो डेसिमेटर 6 है, मोल -2, एस -1 है। भाई देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हमारी जो वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए सेम वही मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये मोल इनवर्स डेसिमेट्रिक 3 होती है, और थर्ड के लिए ये DM6 हो जाता है। एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ क्या, वो जो टी हाफ है 1/n-1 के लिहाज से। ठीक है, अब बात यह है कि नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो है इसको आप देखिए, इसको अपने बच्चे इसको साथ साथ इन चीजों को देखना जरूर है कि अगर आपसे थर्ड ऑर्डर पूछा गया है तो आपने याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर भी याद करना आपने, आपने उसके बाद उसके बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर भी याद रखना है, आपने जीरो ऑर्डर भी याद रखना है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने बस एक ही चीज याद की है, नो, साथ आपको ऊपर से चीजों का अंदाजा हो। ओके जी, ये हमारे पास जो है ये डेफिनेटली ये दिया गया है, दिए सो ये जो है वो पूछा गया स्लोप, ये गिवन है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो किसका, आर इन इक्वेशन का, तो हमारा इसका आंसर जो है 103.41 किलो जो पर मोल आ जाता है। सिंपल है, ये बगैर कैलकुलेटर बच्चे आराम से हम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है रिलेटिविटी ऑफ लेंथनाइटिस। भाई देखिए बात ये जो कि लैंथेनाइड्स हैं या कोई भी हमारे पास जो है रिलेटिविटी एक्टिविटी उनकी जो है, उनको जब आप लैंथेनाइड्स में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक लैंथेनम से ऑनवर्ड शुरू होता है? अब नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ विच वन इज मोस्ट सॉल्वेंट वाटर, भाई चार चीज दी गई थी, उसमें क्या था, उसमें ब्रिलियम था, लिथियम था, सोडियम था, पोटासियम था। तुम्हारा तो पोटासियम है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो पोटासियम है वो ज्यादा मेटेलिक है, ज्यादा बेसिक होगा। जिंक +2 + बिस्मिथ +3 कलर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो ताल्लुक किससे है, येलो का बिस्मिथ जो है +3 जो है ये वाइट होता है, और जिंक +2 या आमतौर पर ये भी वाइटश होता है, बट जब इनको आपस में हीट और कूल करेंगे तो हमारा जो कलर है ये हॉट और व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बेटे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कुछ क्वेश्चन मिसिंग, कुछ टॉपिक्स या कुछ हमारे लाइन बाग मिसिंग होती हैं, तो उसको हम जिसे कहते हैं ये देख लीजिए कि उसको थोड़ा सा कि आपने कुछ आंसर बाग में चेंज करते हैं। ठीक है, टिप ऑफ मैच, ओके, ये हमारे जो टिप ऑफ मैच जो हमारे मैच बॉक्स उसकी टिप किससे बनी होती है, सल्फर से, पोटासियम क्लोराइड से बनी होती है। वजह ये है बच्चे कि आप जब उसको इग्नाइट करते हैं
तो आप उसको जब इग्नाइट करते हैं तो इग्नाइट करके उसमें जो एकदम उसमें स्पार्क जो है वो सामने आता है, तो असल में उसकी वजह ये होती है, विच इज नॉट फॉलो ई ए एन रूल। ओके बच्चे बेटे, ई एन रूल हमारे पास ये क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल या 36 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो क्यों नहीं करता, उसकी वजह देखिए बड़ी सिंपल, K4MnCH6 है बेटे, इसमें CH6 है, ये इसमें CH3 6 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो के को छोड़े मैगनीज, और अगर आप CH6 के इलेक्ट्रॉन को जमा करते हैं तो मैगनीज पे चार्ज इस सेंस में जो चार्ज K4 है, Mn है, आगे C, असल बेटे इसको आप Cl6 समझिएगा, CH में Cl6 है, तो Cl6 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैगनीज है उसमें चार्ज क्या होगा, के बाहर K4 है, मैगनीज +2 होगा ताकि उसको बैलेंस करे, दोनों बल्ब आप बैलेंस कर देंगे। अब जो मैगनीज के इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब क्या है, टोटल स्टन 7 थे, 18 से 25 सात इलेक्ट्रॉन, दो चले गए बाकी रहे 5, और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 12 5 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 पूरे नहीं बनते। मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए बात यह है, एल्यूमिनियम के चार्ज का +3 होता है, +3 का मतलब क्या है, फिर +3 मीन 2 मोल ऐड होंगे और फिर 8 उसके बाद, इसमें फिर देखिए आपने करना क्या है, आपने एक बात याद रखनी है कि 1 + 1 जो चार्ज है, एक जो +1 चार्ज है उसको आपने, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको मैनेज करता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है +3, तो मीन वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ना। और स्टूडेंट बात ये है कि 27 जो है ग्राम है वो मैस है 1 मोल का, अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 27 ग्राम देंगे, फिर 3 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 27 27 27 हो गया, 54 हो गया, देन आगे आगे 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अब वो मुकम्मल, अगर 9 होते तो पूरा पूरा 3 मोल आ जाता, 8 मोल का मतलब, बाकी 2 मोल का मतलब है कि पूरा एल्यूमिनियम नहीं आया बल्कि उसमें हमारे जो 27 का आप 18 कर लें, अब आपने क्या करना, 54 + 18 हमारा जवाब आ जाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 36 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन एक्वा सोल्यूशन इज, जैसे आपने अबव सवाल किया बिल्कुल आपने ऐसे सवाल ये नीचे वाले करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, बड़ा सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर 72 ग्राम चाहिए था, 72 ग्राम डिपॉजिट हुआ था किससे, 8 से, तो 36 का मतलब क्या है, उससे ज्यादा, ये सिंपल सी बात है, ये 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, नहीं जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट है आर एन कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट हमारे पास है लोरी ब्रॉन्स्टिड है, उसके बाद जैसे हमारे पास लिविस कॉन्सेप्ट है, ऐसे बच्चे हमारा उसानोविच कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एसिड क्या है, वो केटाइन बनाए, वो इनाइन से मिक्स हो जाए और न्यूट्रलाइज बेस दे, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस में आएगा। ठीक है, देन द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर इज एसोसिएटेड विद द बीच ऑफ फॉलोइंग AX4E2, देखिए बात ये है कि हमारे पास स्टूडेंट जो इसमें उसने पूछा है सुपीरियर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, सुपीरियर ज्योमेट्री का AX4E2 जो है, ए अगर आप उसको समझें कि ए हमारा सेंट्रल एटम है तो X4, और जो E2 है तो हमारे 6 एटम बनते हैं, तो 6 बचे एटम समय क्या होगा, ये हमारा ऑक्टाहीड्रल होगा ना कि स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर ये आपने याद रखना है, उसके आपने याद रखना उसके 4 हमें एटम चाहिए होते हैं। आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड के हैं XeF2 और IF2, बोथ दोनों में ज़ीनॉन जो है या जो आयोडीन है दोनों जो है दे आर नॉट फुली सेटिस्फाइड द वैलेंस, बॉन्ड एंगल इन ओजोन क्या 118 है, जी ओजोन हमारे पास O3 होता है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल 118 है, इन हाइड्रोजन बॉम्ब रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सा, वो फ्यूजन है किसका, ड्यूट्रियम का और ट्रिटियम का, और जो बाद में हीलियम बनेगा। ठीक है, देन स्टूडेंट हीलियम
हीलियम ऑन न्यूक्लियर फिशन गिव क्या करता है, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन देता है। फिर से बच्चे इस बात का मतलब क्या है भी देखें, बात ये है हीलियम क्या कर रहा है भाई, फिशन दे रहा है, फिशन मतलब उसको तोड़ना है आपने, तो पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन देगा। निकल स्पून इज नॉट डिफरेंट Fe+3, भाई उसकी वजह क्या है, Fe+3 और निकल दोनों में जो हमारे पास पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरी है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि चांस क्या है कि अगर Fe+3 जो है वो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, निकल से, तो निकल जो वहां पे क्या करेगा, निकल वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे टू वर्ड आयरन, दैट्स व्हाई। लोकेटिंग रीजेंट नॉट यूज फॉर मेटल्स, किसके लिए भाई, देखिए हमारे पास कौन सा जो है वो मेटल यूज नहीं, NH4S, वजह क्या है कि NH4S जो है उसमें जो अमाइन है जो NH4 पॉजिटिव है वो उसमें एस एस रिजल्ट में इश्यू क्रिएट करता है, अगर आप यहाँ पे H2S यूज कर लें फिर ठीक है, बट NH4S है वो यूज नहीं कर सकते कोई भी। द रिएजेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 5 मेटल्स वो कौन है जी, हमारा NH4OH, NH4Cl, NH4 2CO3 है, NH4CO3 है, NH4 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट है, और ये याद रखिए बच्चे हमारे पास ये जो मल्टीपल रिएजेंट है कहाँ शुरू होते हैं, 2 से, सेकंड ग्रुप से, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये हमारे मल्टीपल रिएजेंट्स इसमें सारे शामिल होते हैं। ओके, Na2S2O3 इज आयोडीडेटेड अगेंस्ट किसके, K2Cr27 के बजाय K2Cr27 जो हमारे पास है, ये आपने सुना है आइडोमेट्री और आइडोमेट्री आइडोमेट्री जो डाइट्रेशन है दोनों में आईडी आईओडीआई और आइडो इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है कि उसमें 4 स्टेटमेंट थी, जैसे उसमें बात ये थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो एक हमारा कांस्टेंट चीज है, वो किसी भी पे डिपेंड नहीं करता, ना वो डिपेंड मैस पे ना वो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास विच इज नॉट ट्रू अबाउट GCMS, GCMS का ताल्लुक किससे है कि GCMS गैस मेट्रो मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें ये है कि जो गैस मेट्रोग्राफी है मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक नो कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या चीज ट्रू नहीं थी, गैस मेट्रोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एनालिटिकल मेथड दैट कंबाइन द फीचर ऑफ गैस मेट्रोग्राफी एंड मैस स्पेक्ट्रोमीटर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सबस्टांस विद इन अ टेस्ट सैंपल, ठीक है। तो उसमें ये उसने पूछा था कि इसमें क्या चीज ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 44 जो MCQ है वो कहता है कि जी इंडिकेटर यूज्ड इन आर जेंटोमेट्री टाइट्रेशन फर्स्ट स्टडी ऑफ क्लोराइड इज डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ये हमारे पास एक जो है एक इंडिकेटर बड़ा कॉमन है फ्लोरोसिन जो जेंटोमेट्री टाइट्रेशन है, ठीक है। कलर आमतौर बड़ा जिसे कहते हैं बच्चे, ये जो हमारा जेनेटिक टाइट्रेशन इसमें आमतौर कलर जो है बड़े क्लियर आते हैं आमतौर पे। बायोलॉजिकल सैंपल कैन बी एनालाइज थ्रू HPLC, ठीक है, जो हमारा ब्लड है जो यूरिन सैंपल है वो थ्रू एनालाइज किए जाते हैं, जो डोप टेस्ट किए जाते हैं प्लेयर्स के वो जिसे इसी के थ्रू किए जाते हैं आमतौर पे। रिएक्शन कंडीशन V2O5 कैटलिस्ट एज 450 डिग्री सूटेबल फॉर ऑपरेशन बेंजीन, तो बात यह है भी हमारे पास उससे बनता है क्या, इससे बनता है मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, जो बाद मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्वांटिटी आंसर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला इसमें देखिएगा, सैंड में रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू सिंथेसाइज अराइल हैलाइड फ्रॉम अराइल डाइजोनियम साल्ट यूजिंग कॉपर साल्ट एज रीजनल कैटलिस्ट, ठीक है। इसका मतलब बच्चे हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन जो है किसके, अराइल हैलाइड्स के लिए, तो ये उसके लिए कंडीशन मौजूद है। क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन विद क्लोरोहोलिक एच, भाई देखिए क्लोरोब्यूटेन क्या अल्काइलाइड है, अल्कोहलिक है तो अल्कीन बनेगा, और वो क्या बनेगा, वन ब्यूटीन बनेगा, इसको वन ब्यूटीन को वन ब्यूटीन कर लीजिए, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व द प्रेपरेशन ऑफ ईथर बाय डीप्रोटीनेटिंग ऑफ अल्कोहल एंड कार्बो, विलियमसन सिंथेसिस है सबसे कॉमन यही है। बात ये बच्चे देखें कि इसमें आपने इसके दो बड़े बड़े कॉमन मेथड हैं,
एक हमारा मेथड है विलियमसन, और नंबर टू बचे हमारा मेथड जो उसका ताल्लुक है सिल्वर ऑक्साइड वगैरह से। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन। ये बीएस जो हमारे बुक्स हैं ऑर्गेनिक की, उसमें ये मेंशनड है ऑक्सीजन डी मर्क्यूरेशन जो है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन पेट्रोल डन बाय, भाई पेट्रोल में अल्कोहल की रिड्यूस कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक डाई है, इसको चेक करते हैं कि इसमें अडल्टेशन मौजूद तो नहीं कोई भी, तो इसका ये सिंपल डाई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी, ये हमारा बड़ा सिंपल अमाइन के लिए क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट है, और अगर यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता तो हमारा ग्लूकोज टेस्ट आ जाता। विच मार्शल इज नॉट प्रिपेयर बाय आवर बॉडी, वो कौन असेंशियल है, वो 10 तादाद में है, और जो 10 तैयार होते 10 तैयार नहीं होते। पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H8O, ओके अगर आप इसके आइसो बनाना चाहें। अब बात यह है कि स्टूडेंट्स जो C4H8O है इसका क्या क्या आइसोमर बन सकता है, देखें जरा C4H8O का। इसके हमारे एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन सकता है, उसके बाद एपोक्साइड बन सकते हैं हमारे पास। तो टोटल इसका आंसर जो 10 लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए जरा बच्चे C4H8O बच्चे से बना के देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड बनने हैं, कीटोन भी बनने हैं, उसके बाद हमारे जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनने हैं, तो ये बना के तो इसका आंसर 10 लिखा गया है। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद 3 एसिमेट्रिक सेंटर वुड हैव पॉसिबल आइसोमर, कल सेंटर विल हैव 2 एंड पॉसिबल। भाई हमारा फॉर्मूला है, किसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने जो है इसमें पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, तो वो हमारा 2 एंड पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ऐसे एमसीक्यू होते हैं इसके लिए आपने शॉर्टकट याद रखने हैं कि जो फार्मूलाज हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। आप ऊपर जो एमसीक्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये C4H8O वाला है, इसका आपने सिंपल क्या याद रखना है कि इसका फॉर्मूला CnH2NO, इसके आगे 4 आइसोमर हैं। ठीक है, बट मजे की बात यह है कि जो अगर CnH2NO जो है इसमें अप टू 2 कार्बन एल्डिहाइड कीटोन आपस में आइसोमर नहीं रहते, क्योंकि 2 कार्बन तक जो है एल्डिहाइड तो हो सकता है लेकिन कीटोन नहीं हो सकता ना, फॉर्मेल्डिहाइड जो एस्टेल्डिहाइड है वो दोनों एल्डिहाइड पॉसिबल है, बट जो कीटोन है वो तो 3 कार्बन शुरू होगा, दैट्स व्हाई। विच बफर इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एसिटिक एसिड बफर है जी, कंपोनेंट्स ऑफ डेक्रॉन आर, भाई डेक्रॉन क्या चीज है, ये हमारे पास एक एस्टर टाइप चीज है जो थाइलीन ग्लाइकोल है और टैथैलिक एसिड है, डेक्रॉन इससे हमारा जो है कपड़ा बनता है डेक्रॉन से। मुझे याद है मैंने एक दफा जॉब अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब से पहले पैकेजेस के अंदर, तो पैकेजेस वाले क्या करते हैं वो टिश्यू पेपर बनाते हैं, जो आपका रोजन पैटर्न बड़ा मशहूर जो आपका है और टिश्यू पेपर वो ही बनाते हैं, तो मुझे सवाल पूछा था मुझे याद है। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ये हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, डेट्स व्हाई ये कभी भी हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। रेसिडी क्या है जी, रेसिडी हमारी किसकी होती है, फैट ऑक्सीडेशन होती है, मुकम्मल फैट हमारी जो ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो उसमें आके डिफरेंट कंपाउंड में चली जाती हैं, जिस तरह जैसे कि उसमें आगे एल्डिहाइड कीटोन बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा द कंपाउंड बिकम रेंस से। ठीक है, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेस ग्लोसाइटिस, ये बीमारी इसमें हो सकती है। बच्चे इसमें एक सवाल पक्का आता है जी इसका, विटामिंस का, विटामिन ए विटामिन बी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए कि हमारे पास कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ हमारे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, जो ADKE है ये हमारे जो है ये फैट सॉल्युबल हैं और बाकी वाटर सॉल्युबल हैं। सॉफ्ट सोप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्ड सेपोनिफिकेशन, यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है स्टूडेंट्स, दोनों पॉसिबल हैं, इससे परेशान नहीं होना कोई भी। फिर सुन लें कि बच्चे यहाँ पे दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। अकॉर्डिंग टू हमारे पास NIOSH ओजोन लेवल डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ इज 5 PPM, ये बच्चे हमारे पास एक अदारा है NIOSH, उसने उसमें तब हमारा डाटा है कि अगर इससे जो लेवल है ओजोन का वो हो तो वो डेंजरस है 5 PPM।
फूल स्मेल इन टैंक ऑफ वाटर ड्यू टू मीथेन हाइड्रोजन सल्फेट एंड अमोनिया। बच्चे मुझे फूल स्मेल से एक बात याद आ गई, फूल्स गोल्ड जो फेरस सल्फेट है फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, तो आपने ये बात भी आपने कंफर्म याद रखनी है। ठीक है, कंसर्न जो इसकी वजह छोटी स्टोरी भी है कि फूल्स गोल्ड जो है ये एक दफा ऐसा हुआ कि जमीन से लोगों ने निकाला FeSO4, तो बोला था सोना होता है, तो सोने लोगों समय शायद ये सोना है, लोग अपने घरों में बाल्टियां भर के लेके सुबह पता चला कि ये तो हमारा FeSO4 है, तो वहां से फूल्स गोल्ड का नाम रखा गया FeSO4 का। कंसंट्रेटेड ओजोन विच इज सेफ इन एटमोसफेयर इन PPM वो क्या 0.3 PPM है, थोड़ी थोड़ी मुझे। ठीक है जी, भाई देखिए बात ये बच्चे, जो ओजोन ऊपर अगर फजा में मौजूद है उसका फायदा फायदा, लेकिन अगर बच्चे वो नीचे हमारे बॉडी इधर हमारे लेवल पे मौजूद है जमीन के लेवल पे, तो उसका नुकसान नुकसान है। ठीक है, अब बात ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है ये पॉइंट याद रखिए, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो ओजोन है अगर ऊपर एनवायरमेंट में मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह में, उसका फायदा फायदा बच्चे, उसकी अगर अगर वहां कम होगी नुकसान होगा, बट अगर हमारे जमीन के लेवल पे अगर जहां पर हम लोग रह रहे हैं अगर यहाँ पे ओजोन मौजूद हो उसका नुकसान नुकसान है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग काज ओजोन डिप्लीशन, भाई देखिए NO, N2O, वी आर आल, आल तो है लेकिन इसमें सबसे जो मजे का आंसर वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर क्या है 15 to 50 किलोमीटर। पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास चार स्फीयर है ना, हमारे सर के ऊपर क्या है वो हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, देन स्ट्रेटो है, देन मीजो है, देन हमारे पास थर्मोस्फीयर है, उस ऊपर आयोनोस्फीयर है। नॉर्मली रेन इज एस्टी ड्यू टू CO2। ठीक है जी, CO2 जो है या जो SO2 SO3 वगैरह जो है या NO2 वगैरह वो आमतौर पर इसको क्या करते हैं, इसको ज्यादा जिसे कहते हैं काम खराब करते हैं। ठीक है, एक आपने बात ऑब्जर्व करें कि हमारे जो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पोर्शन है इसका भला एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री काफी कॉमन है ऑर्गेनिक, और जो ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं आमतौर पर। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या, वो जमीन से लेकर ऊपर तक 1000 किलोमीटर है और नीचे भी हमारे पास 1000 किलोमीटर ही होता है, नीचे भी आ सकते हैं, दोनों चीजें 1000 किलोमीटर है। प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी गिवन बाय द फार्मूला जी, हमारे फार्मूला जी Y8O2 pi है, ये फार्मूला है प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी रखने के लिए। When substance shows the phenomenon of phosphorescence, then the wavelength range is 10^3 to 10^2 seconds तक, which is solvent is not used in IR water। वजह बच्चे क्या है कि इसका इंटरेक्शन हो जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोक्सो ग्रुप होने की वजह से। विच आर फॉलोइंग यूज एज सोर्स ऑफ रेडिएशन FTIR, वो सिलिकॉन कार्बाइड रॉड है जिसके अंदर मौजूद होते हैं वेदर रेडिएशन के तौर पर काम करती है। करंट डीजे स्पेयर कौन है जी, बाबर इफ्तार, ये कहा गया है। ठीक है, बाबर इफ्तार साहब जो है ये हजरत मूसा क्रॉस द विच सी, रेड सी। यानी हमारे पास जो है वो जोहानसन इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस कंट्री का, आइसलैंड का। पेनिन्स माउंटेन रेंज इन विच कंट्री, इंग्लैंड। हु वाज अंकल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जहुजा बिन यूसुफ। डॉग एक्स इज अ फाइल ऑफ MS Word, ये कंप्यूटर का है। ठीक है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशानी पाकिस्तान है। मैंग्रोव ट्री आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टलैंड, पाकिस्तान में जो हमारा जो पट्टी पूरी है वहां पे मौजूद है कराची वगैरह के एरिया में। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन, रिवर चनाब है, तो फर्स्ट वन कौन है, सिंध है। ठीक है, वाटर हैज स्फीयर शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है वो 3000 माइल है। ठीक है, शॉर्ट की ऑफ रीडोइंग इज कंट्रोल प्लस वाई, आपा झापी पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है अफरा तफरी पढ़ना। ठीक है, देन हमारे पास लिखा जी
अभाम गोई किसके दौर में शुरू हुई? वो था मोहम्मद शाह रंगीला, अभाम गोई। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल था, और रंगीला कहते क्योंकि वो बड़ा जोशीला था, बड़ा दिल दादा था इस तरह के एक्टिविटीज का। इसके लिए इंसान नॉट एन ह्यूमन कोर सेल डेज है, कंप्लीट द सीक्वेंस UOIA। तो भी बाकी क्या रह गया? ई रह गया। क्या ये सारे क्या हैं? ये वोवल्स हैं। गाजी लुगीन प्रॉपर्टी इन लाहौर एंड स्पाइक एंड स्पैन मीन क्लीन एंड फ्रेश। ये हमारा एक स्लैंग है। इफ ए वर्कर डज हिज ड्यूटी इन 10 आवर्स, ये 4.44 आवर है। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन इफेक्ट में नहीं शामिल होती क्योंकि ये काम ही नहीं ऐसा करती कोई भी। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पे ये बच्चे एमसीक्यू है ना जनरल के, ये एक तो है कि आपका मतलब बहुत ज्यादा हो, और उसके बाद मतलब के साथ साथ ये है कि आपने चीजों को डेली पढ़ा करें तब जा काम चलता है। और मजे की बात तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह के रहमत के बाद अगर मेरी सिलेक्शन हुई है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही चीज है कि जो मैंने डेली अखबार पढ़ता हूँ, BBC वगैरह पढ़ता हूँ, तो मुझे मेरे 20 में मेरा 18 मार्क्स होंगे कम अज कम इसमें जनरल में। ओके, देन हमारे पास है ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑफ विच मेटल शुड नॉट बी यूजिंग मेड यूटेंसिल, लेड उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि लेड जो वो क्या करता है बच्चे, वो ब्रेन कैंसर का सबब बनता है। बॉन्ड एंगल इसमें क्या है? 118 का है। साल्ट सलात मीनिंग वर्शिप प्रेज ब्लेसिंग। ठीक है, सलात मीनिंग नमाज जो है। लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू USA का टेक्सटाइल है, या ऑलमोस्ट 5 बिलियन रुपी, $5 बिलियन जो है ये जाते हैं USA को। चेंज द वॉइस, वो आपने जिसे कहते हैं ये आपने वो जो एक्टिव है पैसे उसको आपने चेंज करना था। ठीक है, दैट्स एंड ऑफ दिस BPSC टेस्ट, बट इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे, कुछ क्वेश्चन आंसर थोड़ा आगे पीछे लिखे थे, बट यू कैन से दैट कुछ चीजें इसमें कुछ आती हैं, बाकी चीजें ऐड हो जाती हैं, बट दिस वाज आवर BPSC टेस्ट, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।